रिच इन फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रेश फ्रूट कैन बी एन एक्सेलेंट एडिशन टू अ वेल राउंडेड डाइट। सारे फ्रूट्स को चॉप करने के बाद मैं इसे एक बड़े बाउल में निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें काला नमक, चाट मसाला और काली मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ। घर में लेमन नहीं होने के कारण मैं इसमें लेमन जूस का यूज कर रही हूँ और अगेन मैं सारे चीज को मिक्स कर दूंगी और ऐसे मेरा सिंपल हेल्दी स्नैक रेडी हो गया है। मेरे विंडो का ये एरिया एक विंडो बालकनी की तरह है जो कि काफी वैकेंट है और थोड़ा अटपटा सा लगता है देखने में क्योंकि ये मेरे बेडरूम से अटैच्ड है। सो इसको एक न्यू लुक देने के लिए मैं इसके टॉप को पहले क्लीन कर रही हूँ। झाड़ू दे करके मैं सारा डस्ट रिमूव कर दी। अब मैं इस एरिया पे ग्रास कारपेट बिछा रही हूँ। ये ग्रास कारपेट मार्केट में इजीली मिल जाता है। मैं अपने विंडो की साइज के अकॉर्डिंग इसको पहले ही कट करा ली थी। देखिए कारपेट बिछाने के बाद ये लुक कितना ज्यादा चेंज हो गया। ये हमारे विंडो का व्यू अब इस तरह से दिखने लगा है। मैं इस एरिया को प्लांट से डेकोरेट कर रही हूँ इसलिए मैं पहले इसमें दो हैंगिंग पॉट्स लगाई हूँ जिसमें कि दो मनी प्लांट है। आजकल मार्केट में काफी सारा अवेलेबल है प्लांटर। देखिए ये मैं शू प्लांटर लगा रही हूँ। इसमें काफी सारे डिजाइन्स मिलते हैं। मुझे ये डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक लगा तो मैं इसलिए इसमें ये प्लेस की हूँ जिसमें कि मैं स्नेक प्लांट लगाई हूँ। इधर मैं एक पिंक कलर का फ्लावर पॉट लगाई हूँ जिसमें कि मैं पिंक कलर का प्लांट लगाई हूँ। एंड नाउ प्लेसिंग दिस क्यूटी प्लांटर जिस जो ब्लू कलर का है वाटर केन की तरह उसमें मैं ये प्लांट लगाई हूँ। Placing tiny pots, the area looks like a small garden and looks very cute and sophisticated. With regular care and attention, our furniture can avoid the need for repairs. ब्रश की हेल्प से मैं अपने सोफा को डेली क्लीन करती हूँ। बिग बेनिफिट टू क्लीन फर्नीचर इज दैट इट लुक्स क्लीन। विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली वोंट बी अपोल्ड बाय क्रम्स, डर्ट और पेट हेयर। To brighten my living room area, मैं यहाँ पे रोज फ्लावर का यूज कर रही हूँ सेंटर टेबल पे डेकोरेट करने के लिए। ये इसमें मैं एक वास प्लेस कर रही हूँ और वास पे ये मैं रोज का स्टिक्स डाल रही हूँ। फ्लावर्स प्रोवाइड मेनी वेलकम बेनिफिट्स। दे कैन इम्प्रूव आवर मूड, बूस्ट एनर्जी लेवल्स एंड हेल्प अस फोकस।
decor expresses how you feel and live. The way your home looks determines the mood and atmosphere for you and your family.